अलवर जिले में निवासरत ऐसे दिव्यांगजन जिनके द्वारा 1 मार्च 2024 के बाद डिजिटल दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा संचालित स्वावलंबन पोर्टल पर आवेदन किया गया था। उन दिव्यांगजनों के कार्ड जारी होने के उपरांत जनाधार में नहीं जुड़ने के कारण राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित हो रहे थे। दिव्यांगजनों को लाभान्वित करने के लिए जनाधार में जुड़वाने की सुविधा 25 अक्टूबर से आरम्भ की जा चुकी है। मैं सभी अलवर निवासियों को सूचित करना चाहूँगा कि भारत सरकार के द्वारा स्वावलंबन पोर्टल पर डिजिटलाइजेशन और दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने की सुविधा को अधिक व्यापक बनाने और राज्य की योजनाओं से उनको जोड़ने के लिए लिंक के रूप में उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे कि UDID कार्ड और ऑब्लिक स्वावलंबन कार्ड जिसे कहे गए हैं, उन कार्डों के माध्यम से राज्य में स्कूटी योजना, पेंशन योजना आदि का लाभ अधिक से अधिक मिल सके, इस हेतु एक लिंक उपलब्ध कराया गया है और सभी दिव्यांग व्यक्तियों और बच्चों माताओं से निवेदन है कि वह इस योजना का लाभ लेकर और अपने जनाधार को UDID कार्ड से लिंकअप कराकर राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। और ये कब से कब तक रहेंगे? इसकी कोई सीमा तो निर्धारित नहीं है, ये 1 मार्च 2024 से इसे प्रारंभ कर दिया गया है। राज्य में जिले में 836 से अधिक व्यक्तियों द्वारा सक्सेसफुल रूप से अपने फ्रेश एप्लीकेशन 3004 प्राप्त हुई थी, उनमें से 836 व्यक्तियों को लिंकअप कर दिया गया है। मेरा नाम अनिल मच्छा है सर, मैं सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग में उप निदेशक पद